करोड़ों की बस्ती में एक ही हस्ती ओनली केजरीवाल की, जिस तरह से मोदी जी ने जबरदस्ती की सरकार चला रहे हैं उससे अब जनता परेशान हो चुकी है। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची हो जो एक भी बूंद लहू के सीने में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। शायरी मत कीजिए, आगे करेंगे क्या? ये तो अभी शुरुआत है। देखिए पहली चीज, अध्यादेश वापस लेंगे, इलाका किसी का भी हो, धमाका तो अब की बार आम आदमी पार्टी का ही होगा, क्योंकि हम सब ने ठाना है केजरीवाल को जिताना है। योगी से खुश नहीं है क्या? खुश तो है, लेकिन एक तरह से केजरीवाल जी बहुत अच्छा है, मतलब काम कर रहे हैं। जेल का ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया जी छूटेंगे, भारतीय जनता पार्टी बस अब उसमें से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम भी बीजेपी से। मैं इस्तेखार अहमद, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। आज 11 तारीख है, आज रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें आए हुए लोगों से हम कुछ बात करते हैं कि आखिर इस रैली में आए हुए लोग क्या सोचते हैं। जी आज रैली थी, रैली कैसी रही? रैली में कम से कम लाख से ज़्यादा आदमी पहुँचे थे और बहुत ही सफल रैली रही, क्योंकि ये तो अभी जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापा है मुट्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान नापना बाकी है, क्योंकि ये सिर्फ इतना बड़ा जनादेश देख कर आज पूरा देश देखा कि जिस तरह से मोदी जी ने जबरदस्ती की सरकार चला रहे हैं उससे अब जनता परेशान हो चुकी है, क्योंकि काम आप खुद सब जान रहे हैं, तब पर भी पूछ रहे हैं, क्योंकि आप जब पूछ रहे हैं तो हम बता ही दे रहे हैं। इलाका किसी का भी हो, धमाका तो अब की बार आम आदमी पार्टी का ही होगा, क्योंकि हम सब ने ठाना है केजरीवाल को जिताना है, क्योंकि अभी ये संघर्ष शुरुआत है, अभी तो आने वाले के बहुत से बदलाव देखेंगे, क्योंकि देश हमारा क्या चाहता है? क्या चाहता है? क्या चाहता है आप बताइए? अच्छी शिक्षा चाहता है, अच्छा रोजगार चाहता है, जो कि गरीबों की, जैसे कि आप यहाँ दिल्ली में देख लीजिए, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, इलाज फ्री है, हर एक परिवार को कम से कम 20,000-30,000 रुपये महीने में बच रहा है, और यही बाहर के राज्यों में देख लीजिए, यही 20-30,000 के आपके खर्चे में चला जा रहा है। कमाई कितना है? 9,000-10,000-8,000 मुश्किल से, वो भी सबको नहीं मिल रहा है, लेकिन तब पर भी देख लीजिए महंगाई 30,000 रुपये में परिवार नहीं। दिल्ली में भी तो गैस 1100 में ही मिलता है, लेकिन वो कौन दे रहा है? का केजरीवाल दे रहे हैं, वो केंद्र सरकार दे रही है 1200, वो पूरे देश में है। पहले यही सिलेंडर 400-500 में था, तो उसमें 250-300 सब्सिडी भी आ जाती थी। आज केजरीवाल को देना चाहिए ना, क्या सिलेंडर देना चाहिए ना केजरीवाल को? देंगे, जब हम सब ने ठाना है केजरीवाल को जिताना है, जब उनके अंडर में सब कुछ आ जाएगा तो सब कुछ फ्री मिलेगा और देश पूरे विश्व गुरु बनेगा। अच्छा। तभी बनेगा। केजरीवाल विश्व गुरु बनाएंगे? केजरीवाल ही बनाएंगे, मोदी जी भी तो कहते हैं वो विश्व गुरु बनाएंगे। करोड़ों की बस्ती में एक ही हस्ती ओनली केजरीवाल। अच्छा, अगर मान लीजिए अध्यादेश को वापस नहीं लेते हैं तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची हो जो एक भी बूंद लहू के सीने में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। अरे आगे करेंगे क्या? शायरी मत कीजिए, आगे करेंगे क्या? ये तो अभी शुरुआत है। देखिए पहली चीज, अध्यादेश वापस लेंगे, केजरीवाल जी बहुत ईमानदार नेता है, पूरे देश में टहल रहे हैं, सबका समर्थन ले रहे हैं, जब ये यही राज्यसभा में फेल हो जाएगा पूरा सिस्टम तब क्या होगा? ये जबरदस्त, जबकि सुप्रीम कोर्ट या जब देश के सर्वोच्च न्यायालय का आप नहीं आदेश मान रहे हो तो किसका मानोगे? ये तो सरासर जबरदस्ती की सरकार है, और बीजेपी का मतलब है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बस अब उसमें से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम भी बीजेपी से थे, पहले वोट दिए थे। पहले आप बीजेपी से थे? लेकिन बहुत दो बार प्रधानमंत्री बनाए हम लोग, यूपी से हम हैं, लेकिन वहाँ पर भी बुलडोजर बाबा की सरकार है। योगी से खुश नहीं है क्या? खुश तो है, लेकिन एक तरह से केजरीवाल जी बहुत अच्छा है, मतलब काम कर रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं। देखिए मोदी जी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन केजरीवाल के जैसा काम पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अब क्या बताएं, आप सब कुछ तो जान रहे हैं कि या केजरीवाल जैसा ईमानदार कट्टर, जो कि आज तक के मनीष सिसोदिया जी जो कि जबरदस्ती जेल में बंद किया है, लेकिन घोटाला क्या है अभी हम आपसे पूछेंगे, आप नहीं बता पाएंगे घोटाला क्या है। हाँ, जो कि उनका सिर्फ यही अपराध है कि उनको गरीबों को अच्छी शिक्षा दिया, अच्छी नंबर एक की शिक्षा दिया, उनसे पूरे विश्व में उनका एक नाम हुआ, क्योंकि जब अमेरिका प्रचार कर सकता है तब आप बताइए। श्री सत्येंद्र जैन जी किस लिए जेल में बंद है? क्योंकि उन्होंने
यहाँ दिल्ली के लोगों को, गरीब लोगों को फ्री में इलाज किया, बस और कुछ नहीं। उनका सिर्फ यही गुनाह है कि उन्होंने फ्री में इलाज किया, जो कि केंद्र सरकार को पता नहीं अच्छा काहे नहीं लग रहा। तो आप कोर्ट में जाइए, अगर मान लीजिए मोदी सरकार, यार कोर्ट कौन सी कोर्ट जाएं, आप बताइए कौन सी कोर्ट जाए जो कि सुनेगी हमारी लोग की। अगर आपको लगता है मोदी जी जबरदस्ती जो है मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल रहे हैं, तो आप कोर्ट में जाइए। कोर्ट में गए हैं, मैटर चल रहा है, आज तक एक रुपए का गुनाह नहीं साबित हो पाया है। तो आप जबरदस्त, अगर उनको गुनाह नहीं होगा तो छूट जाएंगे, क्यों आप परेशान हैं? क्योंकि जेल का ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया जी छूटेंगे, सत्येंद्र जैन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हम रामलीला मैदान में थे और आज 11 तारीख थी महारैली, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है बहुत बड़ी रैली का आयोजन था, इसमें आए हुए लोगों से बात कर रहे थे। इस पूरी बातचीत पे आपका क्या राय है?